हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी टू सपोर्ट। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में लॉन्च किया था गांधी जी ने, किनको सपोर्ट करने के लिए, जो पीजेंट्स थे वहाँ के, हु वॉज अनेबल टू पे देयर रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर और प्लेग, जो एपिडेमिक थी उसकी वजह से वो नहीं दे पा रहे थे, सो उनको सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? करेक्ट आंसर इज जनवरी 1921। वॉट वॉज द थीम ऑफ द प्रिंटिंग्स ऑफ फ्रेडरिक सॉरियू? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, काफ़ी फेमस हुए, इनकी जो सीरीज थी प्रिंटिंग की इन 1848, और ये मेन जो इनका फोकस था दैट वॉज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, सो डेमोक्रेसी मेन थीम थी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। हु हेडेड द वियना कांग्रेस ऑफ 1815? वियना कांग्रेस 1815 को किन्होंने हेड किया? क्लेमेंसन वॉन मेटरनिक, सो ऑप्शन ए ही सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्लेड द की रोल इन यूनिफाइंग जर्मनी? जर्मनी को यूनिफाई करने में, यूनाइटेड करने में किन्होंने की रोल प्ले किया? ऑटो वन बिस्मार्क ने, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आई थिंक ये कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, रशिया, फ्रांस, स्कॉटलैंड, पर्जिया। यूनाइटेड किंगडम तो आप जानते हैं, इट इज मेड अप ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न जो आयरलैंड है हमारा, तो अगर आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है, आई थिंक स्कॉटलैंड क्योंकि उसका पार्ट है, ये आप लगा सकते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये फोर कंट्रीज यूके में आती है, यूनाइटेड किंगडम में ये थ्री नहीं है। ऑल दो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कुछ पूछना चाहिए था आगे, यहीं पर ये फिनिश हो गया, सो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, स्कॉटलैंड। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया ऑफ द बाल्कन्स। अगेन ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, बाल्कन का जो एरिया था ये मेन सोर्स ऑफ टेंशन था 1871 के बाद यूरोप में। हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन? ओरिजिन के बेसिस पर आप उनको बायोटिक या फिर अबायोटिक कह सकते हैं, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन इज, द सॉइल्स आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल जो है, जो कि काफ़ी एक्सट्रीमली फाइन और क्ले मटेरियल से बनी होती है, वो जानी जाती है बहुत लंबे टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, झारखंड, सो गुजरात बी ऑप्शन इज करेक्ट। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और MP में यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स? सोलर एनर्जी, विंड, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स ऑब्वियसली, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए कहा भी जाता है कि इनको बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन? इनमें से कौन सा एक मेथड सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करता है? कॉन्टोर प्लॉइंग करती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी करती है, शेल्टर बेल्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, प्लॉइंग अप एंड डाउन द स्लोप, स्लोप में अप एंड डाउन अगर आप करते हैं, प्लॉ करते हैं, तो वो मिट्टी उससे ज़्यादा इरोड होगी रादर देन कंजर्व होगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म लेड टू सिविल वॉर इन विच कंट्री? ऑप्शन ए करेक्ट है, श्रीलंका। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज? पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि इट इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट अगर क्रिएट कर रही है तो अच्छी कैसे होगी? इट इंश्योर द इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप। इट लीड टू वायलेंस, सो सी ऑप्शन करेक्ट है। इससे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप कम होता है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इसको हम वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है विच इज इलेक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, नो मैटर वेयर दे लिव, सो ऑप्शन आपका बी सही है। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। कंट्रीज जिनकी नेशनल इनकम $955 से कम है उनको लो इनकम कंट्रीज कहा जाता है।
वॉट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट डेवलपमेंट. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो लिया जाता है वो इनकम को लिया जाता है जब आप हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं. सो ऑप्शन ए करेक्ट है. इन विच स्टेट इन इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट लोवेस्ट. सबसे कम जहाँ पर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट है, जहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, दैट इज केरला. लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एंड अबव. दिस शुड बी एज ग्रुप. ओके, एट या फिर उससे अबव एज ग्रुप. नो, सेवन, सॉरी, सेवन या फिर सेवन से ज़्यादा जो एज ग्रुप के लोग हैं उनमें लिटरेसी देखते हैं जब हम लिटरेसी रेट डिफाइन करते हैं. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस स्नीज करता है तो बाकी पूरा जो यूरोप है उसको कोल्ड हो जाता है. ये कहा था चांसलर मेटरनिक ने. वॉट वॉज द स्ट्रांग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास था उसकी क्या एक डिमांड थी? उनकी डिमांड थी फ्रीडम ऑफ मार्केट. मार्केट को फ्री कर दिया जाए. जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनको अबॉलिश किया जाए. वॉट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, वहां पर कॉन्टोर प्लॉइंग की जाती है. टेरिस फार्मिंग, फार्मिंग. वन मार्क का है, एक भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा. आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी. इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका में सिन्हाला, सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी थी. अब नेक्स्ट कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. कल्चर हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी. इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है विद एग्जाम्पल्स. हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960 to 61. लिस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व अराउंड यू एंड वॉट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज. गिव वन वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था आपका क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.